वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि गेम खेलते टाइम गेम के अंदर माउस का जो ये बटन होता है ना कर्सर बटन, ये काम कैसे करे मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अब थोड़ी देर पहले देखा जो मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गन वगैरह ले रहा था, इमोट कर रहा था, ये आप भी कर सकते हो। कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आज। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ गाइज, मेरा वीडियो वगैरह बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं भाई, प्लीज़ ज़रा लाइक सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, वो जो मैं अभी कर रहा था इमोड वगैरह गन खरीदना। आपको तो पता है सीएस रैंक खेलते टाइम हाथ से लेना पड़ता है, ये गन वगैरह ग्लोबल कुछ भी लो ना हाथ से लेना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गेम के अंदर। देखो मेरा एक कर्सर बटन है ना, अभी सफ़ेद है, सफ़ेद जब रहेगा तब गेम के अंदर काम नहीं करेगा। तो इसका कलर चेंज कैसे करना है, गेम के अंदर काम कैसे करेगा, मैं चलो आपको पहले बताता हूँ, ट्रेनिंग में जाकर आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग में, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो मैं अभी कुछ भी दबाऊंगा ना काम नहीं करेगा, और कर्सर बटन में देखो दबा रहा हूँ तो ये सब काम नहीं कर रहा है। देखो ये दबा रहा हूँ काम नहीं कर रहा है, ये भी दबा रहा हूँ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी दबा रहा हूँ काम नहीं कर रहा है, मुझे हाथ से सब कुछ करना पड़ता था। देखो अभी मैं निकल के आपको बताता हूँ इसका कलर चेंज कैसे करें, एक कर्सर बटन का कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो मैं निकल गया ट्रेनिंग से, अभी आपको बताता हूँ ये काम क्यों नहीं कर रहे, पहले ये तो सुन लो। ये जो सफ़ेद है ना कर्सर बटन, ये देखो इसके वजह से मिक्स प्रो में जो कलर दिख रहा है ना ब्लू कलर, ये ब्लू कलर की वजह से ये काम नहीं कर रहे गेम के अंदर। इसको कलर चेंज करना है, कौन सा कलर चेंज करना है, इसका कलर कैसे चेंज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको कलर चेंज करने के लिए, वो जो आपका कीबोर्ड का कंट्रोल बटन है ना और F3, देखो मैं बता रहा हूँ ये जो कंट्रोल बटन है ना, कंट्रोल बटन और F3 को एक बार प्रेस करना है तो आपका जो ये मिक्स प्रो का देख रहे हो ब्लू था मेरा, देखो पर्पल हो गया, अभी पर्पल कलर में आ गया। और माउस का जो कर्सर बटन है ना वो अभी गोल्डन ब्लैक में आ जाएगा देखना। और आपको जब पहली बार कनेक्ट करोगे ना तो आपको डाटा केबल से एक बार कनेक्ट करके अलाउ कर देना पड़ेगा, मेरा तो पहले से कनेक्ट है इसलिए सीधा हो गया। देखो मैं आ गया भाई ट्रेनिंग के अंदर, अभी आपको दिखा रहा हूँ मेरा माउस का जो कर्सर बटन है ना देखना कैसा है, ये देखो गोल्डन एंड ब्लैक, और मिक्स प्रो का जो कलर है ना वो पर्पल हो गया। और देखो अंदर भी काम कर रहे हैं, कुछ भी करोगे ना, देखो मैं गन खरीद रहा हूँ आ रहा है, जो भी दबाओगे सब कुछ आएगा। देखो मैं ये वाला दबाऊँगा तो ये वाला आएगा, जो भी कुछ भी दबाओ अभी माउस के अंदर काम करेगा, आपको हाथ से दबाने की ज़रूरत नहीं। जब सी एस रैंक वगैरह खेलते हैं तो पता ही आपको हाथ से लेने में कितना दिक्कत होता है बार बार। तो अभी देखो मैं AK-47 लूँगा तब वो भी हाथ में आएगा, मतलब माउस का कर्सर बटन गेम के अंदर काम करता है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं एक ही प्रॉब्लम है इसका, माउस का कर्सर बटन काम नहीं कर रहा है। यार मैं पहली बार बोल रहा हूँ ना इसलिए मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई, मैनेज कर लेना। तो देखो मैं इसमें फायर भी किया, फायर हो रहा है, मैं इमोट वगैरह करके दिखाता हूँ आपको। चलो जितना भी इमोट करूँगा तो सब करेगा देखना। अभी देखो इधर इमोट वाला सेक्शन में गया, इमोट दबा रहा हूँ, देख रहा हूँ इमोट हो रहा है, इन गेम काम कर रहा है गेम खेलते टाइम। वो जब जिसका वाइट रहता ना काम नहीं करते, तो आपको कैसे बता दिया आपको पॉपुलर करना है। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया और पहली बार वीडियो में बोल रहा हूँ ना तो इसलिए मतलब थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ भाई। यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, बाय बाय।